वेलकम टू माय चैनल हिबा फैशन डिज़ाइनर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम मर्दाना पैंचा बहुत ही आसान तरीके से बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने शलवार जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टिच कर ली है, हमारे पास सिर्फ पैंचे बनाने वाले रह गए हैं। तो हमने अपनी शलवार कंप्लीट कर ली, उसके बाद लेंथ से एक्स्ट्रा हमने 2 इंच जो है वो, जैसा आप देख रहे हैं, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। अब हमने बुकरम ले लेनी है। अगर आप पेपर बुकरम से बनाना चाहते हैं तो पेपर बुकरम ले लेंगे, और इस पे जो है वो हम तकरीबन 1 इंच और 1 सूत्र जो है वो बुकरम पर निशान लगाएंगे। हमने अपना पैंचा जो है वो 8.5 इंच रखना है, 8 इंच रखना है, तो हम जो है वो 9.5 इंच जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा करके बुकरम जो है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया है, उसके बाद हमने जो है वो इसको बुकरम को फोल्ड कर लेना है। बुकरम फोल्ड करने के बाद हमने दोनों पैंचों की जो है वो कटिंग कर लेनी है फोल्डिंग के बाद। तो चलिए पैंचों की कटिंग कर लेते हैं। दोनों पैंचों के लिए हमने पेपर बुकरम जो है वो कटिंग कर ली है। अब हमने अपनी शलवार लेनी है जिसपे हमने निशान लगाया था, उसके बाद हमने इसके पैंचे को खोल लेना है, ठीक है। फिर हमने इसको जितना निशान लगाया था उसको हमने यहाँ से फोल्ड कर लेना है और इसे इस निशान को बिठा लेना है। अब हमने इसको खोल लेना है यहाँ पर, उसके बाद बुकरम लेनी है और ये जो निशान लगाया था उसके साथ साथ बिल्कुल रख के हमने जो है वो इसको इस्त्री के साथ बुकरम को अटैच कर लेना है। इसको हमने इस्त्री के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने दोबारा इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो है वो इसको फिर इस्त्री जो है वो बिठा ले, इस्त्री के साथ इसको कपड़े को बिठा लेना है। अब हमने यहाँ से जितनी हमने जो है वो बुकरम काटी थी उतनी यहाँ से जो है वो कपड़े की फोल्डिंग करनी है, और फिर अगेन जो है वो हम इसके ऊपर इस्त्री के साथ इसको बिठा लेंगे। उसके बाद हमने ये पैंचे को सीधा कर लेना, और जितनी हम जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक पैंचे पर सिलाई लगाना चाहते हैं उतनी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पैंचे को व्यूवर्स हमने 2 सिलाइयाँ ऊपर और 2 सिलाइयाँ नीचे लगा लिया है। अब हमने पैंचे को जो है वो इस तरह बंद कर देना है, फोल्ड कर लेना है, और पैंचे की जो खुला रखना है वो पैंचा मैंने रखना है तकरीबन 8 इंच। आप 8 इंच जो है वो इसको मेजर करके 8 इंच पे यहाँ पर हम जो है वो निशान लगा लेंगे, और इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर ऐसे करके फुल जो है वो आसन तक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ निशान के ऊपर जहाँ हमने मार्किंग किया वहाँ इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसको व्यूअर्स हमने यहाँ पर फुल जो है वो आसन तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही आसान तरीके से मर्दाना शलवार का पैंचा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।